दोस्तों ये हमारे पास गीजर आया बनने को, ये ऑन नहीं हो रहा है। ये 50 लीटर का है, देखिए मार्क कंपनी का है। कस्टमर कहना है ये ऑन नहीं हो रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है इसमें, जिसको हम सीरीज से चेक करेंगे। ये हमारी सीरीज है इसमें, और इसमें हम लगा के इसको ऑन करेंगे। ये देखिए आपस में टच करने से देखिए ग्लो कर रहा है बल्ब। ये सीरीज है, इसको चेक करेंगे। ये इसका वायर है, लगा दिया ऑन करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया है, देखिए कोई वर्क नहीं कर रहा है। और इसको खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे। ये देखिए आउटपुट है, आउटलेट इसको बोलते हैं, और ये इनलेट है। यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से पानी गर्म होकर निकलता है। ये खुल गया है, वायरिंग शॉर्ट कर गई है। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे शॉर्टिंग है। ये ऑटो कट जहाँ पे लगा हुआ है, ऑटो कट भी ख़राब हो गया है, और ये वायर जल गया है। अब इसको अच्छे से साफ करें, अच्छे से वायरिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए एलिमेंट है, ये एलिमेंट की वायरिंग हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दो इसका लूप है, और ये ऑटो कट के लिए इंडिकेटर है, और ये ऑटोमेटिक है। एक अंदर गया हुआ है ये ब्लैक वायर जो है यहाँ पे, और एक ऊपर की तरफ बॉडी गर्म जब होती है यहाँ से ऑटो कट होता है। इसको हम निकालेंगे, यहाँ पे निकल गया है। इसके बारे में अच्छे से करें, देखिए पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसको हम नया लेंगे, नया लगाएंगे, गाड़ी ऑटो कट लगाएंगे हम ये वाला नया। ये देखिए ख़राब हो गया है पूरी तरह से, इसमें से निकाल लेते हैं। इसमें ये पिन भी ख़राब हो गई है, देखिए ये पिन भी, इसकी पिन लगती है, ये लगाएंगे। ये ऑटो कट जलने की वजह से, ये देखिए बहुत बुरी तरह से जब जल गया था स्पार्क करके, ये भी इसको अच्छी तरह से पैक करेंगे। और इसकी वायरिंग को आपको बताएंगे कैसे किसमें लगेगा। सबसे पहले इसको साफ़ कर लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। साफ हो गया है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल, ये फेस है, ये दो लीड वायर है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा हुआ है, और ये एक इंडिकेटर से कनेक्ट है, एक न्यूट्रल से कनेक्ट है। इसके बाद ये आप हमारा थर्मोस्टेट पे लगेगा ये दोनों, ये क्योंकि ये न्यूट्रल इसको देगा, और फेस में इसको डायरेक्ट मिलेगा, इसके ये एलिमेंट को डायरेक्ट मिलेगा। और ये वाला न्यूट्रल ये ऑटोमेटिक में जाएगा, ये वाले ऑटोमेटिक में जाएगा। इसके बाद ये दूसरे ऑटोमेटिक से होके इस पर लगेगा। हम लगा के आपको दिखाते हैं। गाइस देखिए कंप्लीट हो चुका है, अब पैकिंग करेंगे हम। ये देखिए ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे लगा दिया है, अब ये वाला लगा देंगे इसमें, और ये वाला रेड में लगा देंगे। फटाफट पैक करके आपको चालू करके दिखा दूँ। गाइस देखिए हमने फ्रिज पे लगा रखा है, हम इसका रेगुलेटर घुमाएंगे। ये देखिए बल्ब ग्लो करने लगा है, ये ऑन हो गया है। तो इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे एलईडी ग्लो करना चाहिए। गाइस देखिए हम डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट लगा के अब
कम घुमाए, देखिए यहाँ का जो है बंद कर दिया। तो देखिए हम नीचे उठाएंगे आपको, ये हमारा बोर्ड है जो इसमें नीचे देखिए अभी उठाएगा, एक पॉइंट टू एम्पियर ले रहा है। ये देखिए बंद करने पे धीरे धीरे। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।